हो गया क्या हुआ परिणाम जमाल जी? चुनाव नतीजों के बाद क्या कहेंगे? जीत हो गई है, क्या कहेंगे? 36,542 मतों से ये चुनाव हमने जीता है। मैं सबसे पहले तो ऊपर वाले का आभार व्यक्त करता हूँ और फिर नीचे ज़मीन पर जो हमारे मतदाता हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहन मायावती जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ज़िला अध्यक्ष जी हमारे हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप प्रतिनिधि हैं अतुल राय जी के, सांसद जी के, इन सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जितने हमारे मतदाता हैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं जिस उम्मीद के साथ लोगों ने मुझे इतने भारी मतों से कामयाब बनाया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा, पार्टी को भी मजबूत करने का प्रयास करूँगा और जनता की जो उम्मीदें हैं उनको सरकार से मिलकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बेहद खुशी हो रही है और बेहद तनाव के समय से हम लोग गुजरे। 23 तारीख और 24 तारीख जब पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, 23 तारीख की शाम तक मैंने इंतज़ार किया समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। हर तरफ तमाम रास्ते बंद थे, हर तरफ अंधेरा था, मायूसी थी, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने मुझे सहारा दिया, बहन जी ने मुझे फौरन समय दिया, बुलाया और मुझे टिकट आज़मगढ़ में रखा हुआ था। तो रास्ते में आप लोग हैरत करेंगे कि मेरा सिंबल 1 बजे रात को लखनऊ और आज़मगढ़ के बीच में गाड़ी में लिखा गया और मुझे प्रभारी जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विजय प्रताप साहब, उन्होंने सिंबल दिया। उस वक्त आप भी मौजूद थे, जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे और आप भी मौजूद थे साथ में। और हम लोगों ने बहुत कम समय में, मैं 8 महीने से समाजवादी पार्टी का क्षेत्र में घूम घूम के प्रचार कर रहा था और अचानक मेरा टिकट बदल गया और टिकट बदलने के बाद 15 दिनों का मुझे समय मिला। तो सिंबल लोगों को समझाने में दिक्कत हुई। ये अगर समय मुझे 2 महीने का और ज़्यादा मिल गया होता तो मैं समझता हूँ कि मेरा 7-8 हज़ार वोट और बढ़ गया होता। लेकिन सिंबल का मैंने प्रचार किया था साइकिल का और मेरा सिंबल हो गया हाथी, तो जिसकी वजह से मेरा 8 से लेकर 10 हज़ार वोट घटा कन्फ्यूजन में, वरना ये वोट और भी बढ़ा होता। जीत का श्रेय किसको देंगे? प्रत्याशी ने लगाया जीत का श्रेय जनता को देंगे। जनता ही की जीत है, जनता ने बिना भेदभाव के वोट दिया है और इस चुनाव ने एक संदेश दिया है जिसे तमाम राजनीतिक दलों को और पार्टियों को समझना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसमें संदेश ये है कि आप अगर विकास करेंगे, लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे, लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे तो आप के लिए दलीय सीमाएं, धर्म की सीमाएं और जातिगत सीमाएं टूट जाएंगी और लोग आपका समर्थन करेंगे। बड़ी बड़ी शक्तियों ने मुझे चुनाव हराने के लिए यहाँ प्रचार किया, यहाँ तक के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए, मगर फिर भी जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बीजेपी ने आरोप भी लगाया, बीजेपी ने हार का ठीक प्रशासन पर फोड़ा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो चुनाव होने से पहले से ये बात कह रहा हूँ कि प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है। माननीय DM साहब को मैं भली भांति जानता हूँ और माननीय पुलिस अधीक्षक जी को भी मैं भली भांति जानता हूँ। ये लोग किसी के दबाव में कभी काम करते हुए मैंने नहीं देखा। हमेशा इन लोगों ने जो सच बात है वही काम किया और चुनाव भी निष्पक्ष हुआ और जो गिनती हुई तो गिनती में भी आपने देखा होगा कि निष्पक्ष हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो लोग अगर ये बात कहते हैं कि भेदभाव हुआ तो ये उनके लिए शर्मनाक है, मेरे लिए नहीं है। पुनः मतगणना की बात आ रही है, रिकाउंटिंग की बात आ रही है कुछ? अब तो ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब कहाँ से ये सब बात आप लोग, ये देखिए सर्टिफिकेट मिल गया। बहुजन समाज पार्टी, आप पत्रकारों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पत्रकारों ने भी हमारी बात जनता तक पहुँचाने में मदद। घोषणा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि पत्रकार भवन बनाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। पूरा नहीं, हम बना देंगे, आपको बनाने की भी जरूरत है।